ओम शांति शरीर का नाम गुरप्रीत सिंह मैं उन्नीस में इस यज्ञ के संपर्क में आया और जब मैं आया तो उस टाइम बिजनेस में ऊंच नीच होती रहती थी तो सोने के लिए गोली का सहारा लेना पड़ता था तो उस टाइम एल्प्रेक्स खा के सोते होते थे जैसे जैसे इस ज्ञान मार्ग में आगे आए तो मेरा ये दवाइयों का सहारा एकदम ख़त्म हो गया कारोबार भी जो ऊपर नीचे होता रहता था वो भी आगे से काफ़ी इम्प्रूव होता चला गया बहुत छोटे लेवल पे काम था तो अब आज देखें तो उससे कई गुना ऊपर के लेवल पे पहुंच गए घर में जो थोड़ी बहुत बातें होती थी ग़ुस्से वाली वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगी सभी बातें जैसे इम्प्रूव होने लगी तो सबको लगा भी ये क्या करते हैं कहाँ जाते हैं तो वो घर पे आते तो घर पे आने से जैसे उनको फील होता था तो ये कुछ फ़र्क है यहाँ पे उनको शांति की फीलिंग आती थी महसूसता होती थी अभी भी कोई आता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है वहाँ बैठ के और ज़्यादा समय बैठना चाहते हैं तो बाबा ने इतना कुछ दिया तो लोग कहते हैं भगवान जब धरती पर आ जाएगा या आपको मिलेगा तो चमत्कार हो जाएंगे जो प्योरिटी की धारणा है क्या वो चमत्कार नहीं है घर गृहस्थ में रहते एक कमरे में रहते आप पवित्र रह रहते हो पवित्र जीवन बिताते हो तो ये क्या एक चमत्कार नहीं है किसकी ताकत है दुनिया में ये काम करने की कोई भी नहीं कर सकता बहुतों ने कर कोशिश करके देखी लेकिन असल प्योरिटी जो बाबा की मदद से आई वो कितनी फ़ायदेमंद है कितनी लोगों की जीवन बदल जाती है कितना लोगों को फ़ायदा होता है सारी दुनिया में लड़ाई झगड़े मैं समझता हूँ इसी से ही शुरू होते हैं और इसके आने से जीवन एकदम ही बदल जाता है तो बाबा का बनने से क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं पता भी नहीं चलता और बच्चे आपके आपके कहने के अनुसार चलें आपका सुख शांति में जीवन हो तो एक स्वर्ग जैसा ही माहौल आपका बनता है तो वो सारी देन बाबा की है और और दूसरा जो हम बाबा की सेवा में जो सहयोग देते हैं उस सहयोग देने से एक तरह से हम बीज डाल रहे हैं आगे के लिए वो बीज कितना फलीभूत फलीभूत हो जाता है इस जीवन में भी आपको मल्टीप्लाई होकर मिलता है आगे तो मिलना ही मिलना है तो कभी भी बाबा को सहयोग देने से कुछ कमी नहीं आती उल्टा मल्टीप्लाई होके ही मिलेगा आ, आगे तो मिलना है अभी इस जीवन में भी आपको पूरा मल्टीप्लाई होके मिलता है तो बाबा का बनने से हम एक सुखमय जीवन एक स्वर्गिक जीवन का अनुभव इसी लाइफ में कर सकते हैं जो स्वर्ग में होंगे उनको तो ये पता नहीं होगा कि हम स्वर्ग में हैं लेकिन उसका अनुभव हम इसी ब्राह्मण लाइफ में ही करते हैं ओम शांति